नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। जब इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के हत्यारे को भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी का सदस्यता ग्रहण करवाती हो, उन्हें अपने पार्टी में शामिल करती हो और झारखंड के रामगढ़ में अलीमुद्दीन के हत्यारे, जो 4-5 हत्यारे थे, गौरक्षक दल थे, और उन्हें जमानत मिलने पर हजारीबाग के सांसद और केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा उनको माल्यार्पण करते हैं, उन्हें फूल माला के साथ स्वागत करते हैं और उन्हें मान सम्मान देते हैं, तो फिर क्यों ना इस देश में मॉब लिंचिंग की घटना बढ़ेगी। एक के बाद एक हर रोज जिस तरह से मॉब लिंचिंग की घटनाओं में रफ्तार आ रही है, तेजी हो रही है, वृद्धि हो रही है, उसे देखकर हर कोई भारत में सन है। क्या इस देश में मुसलमान होना गुनाह हो गया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि वो मुसलमान है? जय श्री राम के नारे लगाओ, अगर नहीं लगाओगे तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा, आपको गौरक्षक दल घेर के मार देंगे, क्योंकि उनकी सत्ता, उनकी हुकूमत, उनके पास सिंहासन है, इसलिए वो चाहे जो करे उनकी मर्जी। और जिस तरह से उन्हें पता है कि ये घटना करने के बाद हमें मान सम्मान मिलेगा, हमारा प्रमोशन होगा, तो दिन प्रतिदिन ये घटनाएं, जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, बढ़ती जा रही है। एक ऐसी ही दिल को दहला देने वाली, रू कपा देने वाली घटना हुई है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में, जहां पर 20 सालों से टैक्सी चला रहे दिल्ली के मयूर विहार में रहने वाले मोहम्मद आफताब आलम को 4-5 गुंडों ने पीट पीट कर मार डाला। अब पूरी कहानी क्या थी, आपके लिए देखना बेहद ज़रूरी है। उनके बेटे मोहम्मद साबिर ने जो तहरीर दी है, जो बातें कही है, उनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरी कहानी क्या थी। दरअसल मोहम्मद आफताब आलम को उनके पर्सनल पैसेंजर, जो खास पैसेंजर थे, उनका फ़ोन आता है कि मुझे बुलंदशहर छोड़ दो। गुड़गांव से जो मोहम्मद आफताब आलम टैक्सी ड्राइवर थे, वो गुड़गांव से अपने पैसेंजर को उठाते हैं और बुलंदशहर जाकर छोड़ते हैं। अब बुलंदशहर से छोड़ने के बाद जब वो वापस दिल्ली की ओर रवाना हो रहे थे, तब उन्हें 4-5 लोग मिलते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ दूर छोड़ दो, और ज़बरदस्ती उनकी गाड़ी पर बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद बोलते हैं, तू मियाँ है, तू शराब पिएगा, तू दारू पिएगा, और गालियाँ भी बकते हैं, गालियाँ भी बोलते हैं और जय श्री राम के नारे लगाने कहते हैं। इसके बाद आफताब आलम को यह शक होता है कि शायद वो गलत हाथों में फंस गए हैं और ये गलत लोग, जो गुंडे मवाली हैं, वो हमारी गाड़ी पर बैठ गए हैं। उसके बाद वो अपने बेटे मोहम्मद साबिर को फ़ोन लगाते हैं। जब मोहम्मद साबिर फ़ोन उठाते हैं तो कुछ माजरा ही अलग था। सिर्फ और सिर्फ वो अपने पिता की आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे, वो रिकॉर्डिंग में जो आवाज़ आ रही है, जो रिकॉर्डिंग उन्होंने किया है, वो ये कि जय श्री राम के नारे लगा, दूसरा पिएगा, गालियां बकी जा रही थी, ये सारी बातें मोहम्मद साबिर, जो मोहम्मद आफताब आलम जो मृतक है, उनके बेटे ने बताई है। अब कहानी क्या होती है कि 14 मिनट तक ये बातें होती है, उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। अब मोहम्मद आफताब आलम के बेटे मोहम्मद साबिर, जिनको पता चल चुका था कि शायद अब हमारे पिता नहीं बच पाएंगे, जिस तरह से उनके साथ बर्बरता और बेरहमी हो रही है, गाली गलौज हो रहा है और जय श्री राम की नारे को लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और मोहम्मद साबिर मयूर विहार थाने जाते हैं और पूरी घटना, पूरी वारदात बताते हैं। फिर उसके बाद मयूर विहार थाने के द्वारा तफ्तीश की जाती है और लास्ट लोकेशन जो बताया जाता है वो उत्तर प्रदेश जो दादरी के जो करीब चित्तौड़ इलाके की बताई जाती है, और लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था। जब मयूर विहार थाने के इंस्पेक्टर दादरी के इंस्पेक्टर से कॉन्टैक्ट करते हैं और उन्हें कहते हैं इस घटना को जाँच करने के लिए और गाड़ी नंबर बताते हैं, जब जाँच होती है तो पाया जाता है कि उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर थाना के 3 किलोमीटर आगे उस शख्स की, मोहम्मद आफताब आलम की गाड़ी पड़ी है, जो काफ़ी चूर नज़र आ रही थी, और वहां पर उसकी लाशें भी पड़ी थी। अब फिर उसके बाद मोहम्मद आफताब आलम के बेटे मोहम्मद साबिर जाते हैं तो उनको सारा माजरा, सारी बातें पता चल चुकी होती है कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक बेटा जो देख रहा था, तड़प रहा था कि किस तरह से उनके पिता के साथ बदतमीजी की जा रही थी, मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, वो सारी बातें सुन रहा था, वो कुछ कर नहीं सकता था, वो मजबूर, वो असहाय नज़र आ रहा था, लेकिन किसी तरह उसने जो भी, जितना भी कोशिश कर सकता था उसने की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया गया था। ये है हमारा नया हिंदुस्तान, न्यू इंडिया, नया भारत, जहाँ पर लिंचिंग हिंदुस्तान बना दिया गया है। अब सोचिए कि किस तरह से मुसलमान होने का सज़ा मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में उदाहरण देकर के बताया। और इससे बड़ा गुनाह क्या है, अब ये जानिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी आदित्यनाथ की पुलिस, इस घटने को, पूरी घटना को ये बता रही है कि ये लूट का मामला है और ये लूटने के नीयत से इन लोगों ने इसको मौत के घाट उतारा है और गाड़ी छीनना चाहते थे, ना कि इनकी मॉब लिंचिंग हुई है, जबकि परिवार का ये आरोप है। सीधा सीधा ये कहना है
कि उनके पास रिकॉर्डिंग है, किस तरह से उन्हें गाली गलौज किया जा रहा था और जय श्री राम नारे लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था, ये सारी बातें उनके पास रिकॉर्ड है, ये परिवार का कहना है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की पुलिस मामले को हल्का करने में लगी है और सिर्फ लूट का मामला बता रही है। और परिवार का दूसरा कहना है कि अगर वाकई लूट का मामला था तो फिर उन्होंने गाड़ी क्यों नहीं छीना, क्यों नहीं गाड़ी को लेकर भागे, ये सारे सवाल उनके बेटे की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से लगाया गया है। अब सोचिए कि एक 20 साल से जो ड्राइवरी कर रहा था, जो शख्स जो कैब चला रहा था, उसको पीट पीट कर मार दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान था, और उसका गुनाह यही था कि वो इस देश हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, जहाँ पर जो देश धर्मनिरपेक्षता के नाम से जाना जाता है, लेकिन उस देश को भी लिंचिंग प्रदेश बनाने की पूरी तरह से साजिश और कोशिश हो रही है। हर रोज़ आए दिन इस तरह की घटनाएँ हो रही है, वारदात हो रहे हैं, लेकिन क्या वजह है जो कि रुक नहीं रहा है? सिंपल सीधा यही वजह है कि हमारे जिस तरह से उन्हें राजनीतिक सपोर्ट मिलता है और राजनीतिक फ़ायदा मिलता है, उसकी वजह से उन लोगों को लगता है कि हमें फ़ायदा मिलेगा, आगे चलकर हमारा नाम सम्मान मान होगा। आपको याद होगा शंभूलाल रायगर, जी हाँ, जो राजस्थान की एक घटना थी कि किस तरह से कितनी दर्दनाक और कितनी बर्बरता के साथ एक शख्स को लाइव वीडियो बनाकर मारा गया, उनके जिस्म को छत बिछत कर दिया गया और उसके बाद उनकी जिस्म को, उसकी बॉडी को जला दिया गया, और उस शख्स के नाम पर, उस जो वो जो शंभूलाल सेंगर थे उसके नाम पर रैलियां निकाली जाती हैं, उनके समर्थन में लोग खड़े हो जाते हैं। तो इससे ही अंदाज़ा लगाइए, यही सोचिए कि हमारा देश किस तरह से नफरतों की आग में जल रहा है, किस तरह से हमारे मुल्क को बांट दिया गया है। और क्या आपने 2014 से पहले इस तरह की घटनाएं सुनी थी? नहीं सुनी होगी। अंदर से मेरे अंदर भी ये डर पैदा हो रही है कि किस तरह से इस तरह की घटनाएं हो रही है कि मुसलमानों को सिर्फ इस वजह से मार दिया जाता है कि वो मुसलमान हैं, जय श्री राम के नारे लगाओ नहीं तो तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है, जबकि हमारे देश का संविधान सीधा सीधा ये कहता है कि जिसकी मर्जी जो चाहे वो करे, और उसकी आस्था पर किसी तरह का कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता और ना ही उस पर किसी तरह का कोई दबाव डाल सकता है। लेकिन फिर भी आए दिन इस तरह की घटना होना अपने आप में एक तरीके का ये सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिर क्यों नहीं ये घटनाएं रुक रही है। सिंपल और साधारण ये उत्तर है इसका कि उन्हें राजनीतिक फ़ायदा मिल रहा है, राजनीतिक लाभ मिलता है और राजनीतिक सपोर्ट मिलता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, पहुँचाइए, ताकि उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा सके और इस तरह की घटनाएँ जो हो रही है प्रतिदिन वो रुक सके और परिवार को इंसाफ मिल सके। धन्यवाद।